बहुत बड़ा है ना। मम्मी बोली कि खिड़की के बाहर है ना बहुत बड़े बड़े घर दिखते हैं, आकाश जितने ऊंचे और बहुत सारी गाड़ियाँ और इतने सारे लोग। मुझे जाने का है उधर मुंबई में। अरे नौकर यार काय है? आप लोग यही रुके। क्या नाम है तुम दोनों का? मी जयवंत साहेब आणि माझी बायको सावित्री। हम लोग रास्ते से कचरा प्लास्टिक वगैरह जमा करके बेचते हैं सर। सुबह भी हम लोग कचरा चुन रहे थे तो हम लोग को कचरे के डिब्बे में बच्ची मिली सर। तो तुम दोनों नहीं जानते कि बच्ची कौन है? नहीं सर। साहब कहाँ मिली हुई बच्ची तुम्हें? आगे वो नेशनल स्कूल है ना उधर ही कूड़ादान है वहीं पे मिली साहब। बच्ची को बहुत ही बुरी तरह पीटा गया है, स्पेशली सर पर। बॉडी पर जगह जगह जलने के निशान है, जैसे सिगरेट बीड़ी वगैरह से जलाया गया। सर पर, चेहरे पर और टांगों पर काटने के निशान है। फिलहाल तो स्टेबल है लेकिन सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। कुछ जख्म के निशान पुराने हैं और कुछ नए। जख्म देख के लगता है जैसे 4-5 महीने से टॉर्चर हो रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बच्ची जिंदा है। एनीवेज मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू डॉक्टर। सर वो लड़की उसकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ गई है। चलिए बचपन सपनों से भरा उम्र का वो पड़ाव जब उम्मीदों के चश्मे से सारी दुनिया खूबसूरत नजर आती है। बदकिस्मती से कोमल और निष्कपट बच्चे बड़ी आसानी से औरों पर भरोसा कर लेते हैं और उनकी इसी मासूमियत का फायदा उठा कुछ दरिंदे उनका शोषण करते हैं और कदम कदम पर जोखिम भरे इस वातावरण में माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जिस वक्त तो बच्ची वहां मिली उस वक्त आसपास कोई था? नहीं साहब, रास्ता पूरा खाली था। सुबह सुबह का टाइम था ना साहब, कोई पर नहीं था उधर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने उस बच्ची के साथ कुछ किया और डर के मारे हॉस्पिटल ले गए? ऐसा मत बोलो साहब, देवा शपथ साहब हम लोग ऐसा नहीं करें। तुलसी टेलर कोल्हापुर, इसे बैग में रखो। साहब हम लोग को एक बेटी थी बिल्कुल उसके जितनी, 5 साल की थी, मर गई डेंगू से। उसको देखा तो हमें हमारी बेटी की याद आई। अरे कोई भाग ना इकड़े, ये तो हमारी। बस और कुछ नहीं साहब। हमको लगा कि साहब उसको बचाना चाहिए साहब, हमारे बच्चे उसमें देखा हमको। बोल रहे सर हॉस्पिटल से बच्चे के कपड़े मिले और कपड़े पर किसी तुलसी टेलर कोल्हापुर का टैग लगा हुआ। सर हो सकता है कि बच्ची कोल्हापुर से ही आई हो। नहीं कभी तो यही मानकर चलना होगा कि जिस किसी ने बच्ची को वहाँ छोड़ दिया था उसी ने उसका वो हाल किया हो। मुझे नहीं लगता कि जयवंत और सावित्री ने कुछ किया हो, लेकिन उन पर नजर बनाए रखो। आखिर बच्ची इस बुरी हालत में और कोल्हापुर के उस टेलर शॉप का पता लगाओ, शायद वहीं से कोई लीड मिल सकती है। Excuse me. इस टैग को जानते हैं? हाँ हाँ, ये मेरा ही है। इस बच्ची को जानते हैं? इसी ने फ्रॉक पहना था। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। निकालो सारी रिसिप्ट और चेक करो। हाँ साहब, ये मिल गई। एक ये है और एक ये। ये कपड़ा तो वही है और दोनों में मेजरमेंट भी सेम है और दोनों ही 1 साल के अंदर सिले गए। परी? नहीं नहीं, मैं राजकुमारी। ये डॉक्टर साहब प्लीज।
टीचर था ना। नर्स मैडम, सब कुछ ठीक तो है ना? दो दिन हो गए, हम लोग को कोई कुछ बताता ही नहीं है। फक्त एक बार देखने दो ना हम लोग को। तुम दोनों सच में उसको नहीं जानते? नहीं ना हो, उसका परिवार का कुछ पता चला आपको? लड़की कौन है अभी तो यही पता नहीं चला। उसका नाम नहीं मालूम तो क्या कह के बुलाते हैं उसे? अभी तो बच्चे ही बुलाते हैं, तुम लेकर आए हो तो तुम ही रख दो कोई नाम। रोशनी, रोशनी, रोशनी कह के बुला सकते हैं क्या? ठीक है, तो आज से उसका नाम रोशनी। हो गया नामकरण। हेलो सर, पिछले एक साल में दो लोगों ने उस कपड़े से अपनी ड्रेस सिलवाई है, दोनों का एड्रेस मिल गया, हम वहीं जा रहे हैं। हेलो, यहां कोई नहीं रहता साहब, घर 3-4 महीनों से बंद है। इस बच्ची के बारे में जानते हैं? जो यहां रहते थे उसकी एक लड़की थी सना करके, ये वो हो सकती है पर पक्का पता नहीं, इसमें तो चेहरा ही जितना। अच्छा, ये लोग कहाँ गए कुछ बता सकते हैं? नहीं साहब, पर यहाँ अब्बास और उसकी बाई को मुन्नी रहती थी, उसके 3 बच्चे थे, और हाँ ये बीच वाली के जैसी दिखती है साहब। अभी कहाँ है? सर बाप तो पुलिस के डर से गायब है, और माँ वो तो किसी लायक की नहीं थी। अरे साहब, उसको तो बच्चे संभालना आता ही नहीं था, उसको ऐसा लगता था कि सब उस पर लट्टू हैं। आदमियों के साथ कुछ ज्यादा ही हंसती बोलती थी। अब्बास के गायब होने के बाद साहब मुन्नी भी घर से गायब है बच्चों के साथ। अच्छा, आपको इनके कुछ रिश्तेदारों के बारे में पता है? रिश्तेदार का तो पता नहीं साहब, हाँ लेकिन मुन्नी मीरज की थी, वो चंदनवाड़ी में रहती थी मंदिर के बाजू में। इसे जानते हैं? ये आपकी नमासी सना हो सकती है। नहीं साहब, नहीं जानते। मुन्नी और अब्बास किधर हैं और उनके बच्चे, पता है कुछ उनके बारे में? संबंध तोड़ दिए थे हमने, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, दूसरे धर्म में शादी करना हमारे यहाँ नहीं चलता। साहब सब ठीक तो है ना? गब गया, क्या करने का मेरे को? उसने जो माँ बाप के साथ किया ना, उसका पाप मिल रहा है उसे। 1 साल पहले आई थी मदद की भीख मांगने। क्यों मदद चाहिए थी उसे? अलग होना चाहती थी अब्बास से, रोज मारता पीटता था सर आप पीकर, और आपने मदद नहीं की उसकी। क्या करते साहब, पति है मारता है, इसमें क्या? सिर्फ आप जैसे लोगों के कारण औरतों की हालत है। खैर, मुन्नी अब्बास का कोई कॉल आए या उनके बारे में कुछ पता चले पुलिस स्टेशन आकर बताइए। मुन्नी की कोई तस्वीर है? कोई फोटो तो ढूंढ के दे देना। फोटो दीजिए। गायकवाड़ साहब, हमें आसपास के एरिया में पूछताछ करनी होगी, हो सकता है कि मुन्नी से रिलेटेड कुछ मिल जाए। साहब, साहब मुन्नी 6 महीने पहले मिली थी, बोली बच्ची को लेके अब्बास के पास जा रही है करके। अब्बास के पीछे और बाकी 2 बच्चे? वो नहीं मालूम साहब, उसके पीछे पुलिस पड़ी थी वो रेप केस के मामले में। साहब मेरी मुन्नी ठीक है ना साहब? सर मुन्नी के 3 बच्चे, सोनू, सना और जोया। सोनू 7 साल का है, जोया 2 साल की और सना 5 साल। इसका मतलब जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो सना हो सकती है? हो सकती है सर, क्योंकि कोल्हापुर में मुन्नी के कैरेक्टर पे बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर मुन्नी कोल्हापुर से है तो सना मुंबई कैसे आई? नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुन्नी अपने सारे फैमिली को खत्म करके पैसे वैसे लेके भाग गई और एक सना ही है जो बच गई? हो सकता है सर, क्योंकि अब तक के बयान में अब्बास और मुन्नी इन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है, और मुन्नी अब्बास से अलग भी होना चाहती थी। अलग होना चाहती थी अब्बास से, रोज मारता पीटता था सर आप पीकर। पर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, अब्बास के कोल्हापुर छोड़ने के बाद मुन्नी और बच्चे उसी के साथ क्यों होगी? साहब वो मुन्नी अब्बास के पीछे गई थी साहब। जो आदमी उसको मारपीट करता था, जिससे वो अलग होना चाहती थी, उसी के पास चली गई। अपने हस्बैंड से छुटकारा पाने का मौका उसने खुद ही गवा दिया। मुझे लगता है कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला, उसका किसी और आदमी के साथ चक्कर होगा जिसके साथ वो भाग गई है, और अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उसने बच्चों को मार दिया।
दरअसल अगर ऐसा हुआ तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बात रोशनी और सना की नहीं है, हमें मुन्नी के बच्चे सही सलामत हैं ये भी देखना है। नहीं, हमें अब्बास को ढूंढ निकालना होगा। कोल्हापुर में एक रेप केस में अक्यूज था ना अब्बास, उसकी फोटो वहीं से मिल जाएगी। क्या सोच रहे हैं सर? अब्बास के साथ एक और बंदा था ना जो अक्यूज था? हाँ सर, कोल्हापुर पुलिस से बात करके उस बंदे से पूछताछ करवाओ, हो सकता है वो जानता हो कि अब्बास कहाँ गया। ओके सर। मेरे को क्या पता वो साला किधर है साहब, अगर पता था पहले पकड़वाता ना उसको। वो तो साहब झूठा है अब्बास, वो मेरे को इधर फंसा के खुद निकल लिया। ठीक है मत बता, मैं तो सिर्फ तुझे एक चांस दे रहा था। अगर अब्बास को पकड़ने में हमारी मदद करेगा तो कानून से थोड़ा राय मिलेगा तुझे, सजा भी थोड़ी कम हो सकती है, मतलब गारंटी तो नहीं है लेकिन हो सकता है, आगे तेरी मर्जी। ए रख रहे इसको। साहब 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 एक मिनट, पूरा पक्का तो नहीं लेकिन अब्बास की मौसी का बेटा रहता मुंबई में करीब, वो बोलता था कि उसके पास जाएगा। करीम मुंबई और कुछ? और सर ये भी बताया कि करीम लेदर मार्केट में काम करता है। लेदर मार्केट धारावी। नहीं काई को सब सब, मैं निर्दोष है सब, मैंने कुछ नहीं किया सब। निर्दोष है तो भाग क्यों रहा था सब? क्योंकि मेरे को लगा वो रेप केस के चक्कर में आप लोग मेरे पीछे आए करके सब, वो सब सुनील ने किया था सब। सब मैं निर्दोष है सब। वो दे, वो तेरी बेटी सना ही है ना सब? देख गॉड से सब, सब प्लीज मेरे को जाने दो सब। लाइफ में मैंने बहुत बुरा किया सब, लेकिन इतनी छोटी बच्ची की हालत सब मैंने नहीं किया सब। और सब वैसे भी लड़की का चेहरा कहाँ ठीक से दिख रहा है, ये मेरी बेटी सना मुझे नहीं लगती, मतलब मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ सर। कांस्टेबल ब्लड टेस्ट लो इसका, अब डीएनए रिपोर्ट ही बताएगी कि तेरी बेटी सना है या फिर नहीं। लॉकअप में डालो। चल प्लीज मेरे को जाने दो ना सर। सर प्लीज ना सर। अरे सर हॉस्पिटल में पड़ी हुई बच्ची को नहीं पहचानता, अपनी बीवी को तो पहचानता ना, ये याद दिलाए तो कैसे भूलूंगा सर, ये बाजार हो रहे थे। नाटक बंद कर, ये मुंबई आए थे ना तेरे से मिलने? आई तो थी लेकिन सब मुझसे मिलने नहीं, किसी और काम से आई थी। किस काम से आई थी? किस काम से आई थी बोल। सब मुझे मुंबई में आए सिर्फ 2 महीने हुए थे कि करीम ने मुझे बोला कि चल तुझे घुमा के लाता हूं, तो वो मुझे रेड लाइट एरिया लेके गया सब। और उधर देख अब्बास, तुझे जन्नत में लाया हूं, जो आइटम पसंद है चला जा। हे हे हीरो इधर आ, क्या अच्छी नहीं लगी क्या मैं तुझे? देखो मेरे से अच्छी कोई मिलेगी भी नहीं। आना रुक जा जरा, किधर जा रहा जाने लग। ए चल में। ए ए ए दरवाजा खोल, खोल सर मेरे नहीं सर मेरे काम। ए बीवी है मेरी। अरे क्या नाटक है, बीवी है मेरी भाई, नहीं चाहिए मेरे को। ए तू रेगुलर आते है ना, बोल ले समझा इसको। चलना है यार निकलो। तभी मैं सोचूं कि क्या पता है 3 बच्चे भी मेरी है कि किसी और की पैदाइश है सब, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे कुछ भी हो। तेरे अलावा तेरी बीवी और बच्चे को कौन नुकसान पहुंचाएगा, झूठ बोलता है हमसे? नहीं सब, कौन क्यों और काय को मारेगा वो लोग को सब। मैं जब से मुंबई से यहाँ आया हूँ तब से मुझे नहीं पता साहब कि मुन्नी और तीनों बच्चे कहाँ है, सच में साहब मुझे कुछ भी नहीं पता। इस औरत को जानती है? ये लड़की मुन्नी है साहब। कहाँ इस वक्त? आंटी लाई थी फिर लेके चली गई। कहाँ भेज दिया इसे? वो सब मुझे नहीं पता, पर मैंने बात करते हुए सुना था किसी अविनाश के पास भेज रही है। कौन है अविनाश और तेरी आंटी का नाम क्या है? रजनी देवी साहब, वो घूमती रहती है धंधे के लिए, कभी कोल्हापुर कभी राजस्थान और कभी गोवा। इस बच्ची को जानती है? ये मुन्नी की बच्ची सना हो सकती है। मुन्नी की बच्ची साहब? मुन्नी को कोई बच्चा बच्चा नहीं था, वो अकेली थी। Thank you.
कुछ होगा तो नहीं काय ना होना रे तू काळजी करू नकोस मैडम बस मैडम क्या हुआ मैडम आप तो बोले कि रोशनी एकदम ठीक है फिर अचानक अभी नहीं आप बोले थे ऐसी नाजुक हालत में रोशनी और सना की एक एक सांस किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर नर्सेज और एक नया जीवन देने वाले सावित्री और जयवंत देखते ही देखते सभी के दिलों में उसने अपनी एक खास जगह बना ली थी। एक तरफ जहां इतने सारे अनजान लोग उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे वहीं अगर ये बच्ची वाकई में सना थी तो उसके अपनों ने ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। इसे वक्त की विडंबना नहीं तो और क्या कहे। क्या रोशनी ही सना थी? अगर हाँ तो कहाँ थी उसकी माँ मुन्नी? कहाँ थे उसके भाई बहन? क्या वो जीवित थे, सुरक्षित थे या फिर किसी खतरे में थे? सर ये रजनी ग्रांट रोड में रहती है, धंधा उसका पति संभालता, कभी कभार ही वहाँ पे आती है। और सर पूछताछ से पता चला है कि मुन्नी किसी अविनाश नाम के आदमी के साथ। सर मैंने बात करते हुए सुना था किसी अविनाश के पास भेज रही है। अविनाश कोई दलाल होगा, कहाँ है वो? सर कहाँ है और कौन है अभी तक पता नहीं चला। इस रजनी के ग्रैंड रोड वाले घर का सर्च वारंट निकलवाओ और कोना कोना चेक करो, वहां से हमें कोई लीड मिल सकती है जो हमें रजनी या मुन्नी तक पहुंचा सकती है। ओके सर। थोड़ा ताला, कोना कोना छान मारो, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। इधर देखो, अटिल जी सर, ये सिम कार्ड बोलो, इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ। रजनी देवी के घर से मिले सिम कार्ड के कॉल रिकॉर्ड्स सर, इसमें अविनाश का नंबर भी है और ये राजस्थान का नंबर बता रहा है सर। लोकेशन ट्रेस की इजारा जिले का बागोर गांव बता रहा है। नाइक लोकल पुलिस से कांटेक्ट करके अविनाश के ट्रायंगुलेशन डिटेल्स उनको दो, हमें आज ही राजस्थान के लिए निकलना होगा। ओके सर। बोल गए मुन्नी, धंधे के लिए नहीं मिला साहब, धंधे के लिए नहीं मिला साहब, पैसे लिए साहब मैंने, लेकिन साहब शादी करवाने के लिए साहब मैंने। शादी? हाँ साहब शादी, साहब वो गांव में छोरे काम है साहब और शादी के लिए लड़के ज्यादा, तो साहब बहुत बार दूसरे गांव से लड़कियां खरीदनी पड़ती साहब शादी के लिए। सच्ची साहब झूठ नहीं बोला साहब। किसे बेचा? क्या साहब? किसे बेचा मुन्नी को? भुवन सिंह साहब, साहब मेरा चचेरा भाई है साहब, 3 लाख रुपए लिए सर मुन्नी के लिए, सब वो बागोर में रहता साहब। नाइक इस मामले की जांच पुलिस को मुंबई से कोल्हापुर और अब राजस्थान तक ले आई थी। पुलिस को एक अहम बढ़त हासिल हुई थी, अविनाश पकड़ा गया था, अब उसके जरिए वो जल्द ही मुन्नी तक पहुंचने वाले थे। पुलिस क्या हुआ सर? भुवन सिंह जी, मैं ही भुवन सिंह हूँ, मुन्नी को बुलाओ। मुन्नी? मुन्नी नाम का यहाँ कोई नहीं रहा। अच्छा तेरे घर जरा अंदर से देख लेते हैं, अगर मुन्नी अंदर हुई तो लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। बुलाता हूँ सर। मुन्नी मेरठ से कोल्हापुर, कोल्हापुर से मुंबई, मुंबई से यहाँ राजस्थान, काफी लंबा सफर तय किया तुमने। सना तुम्हारी बेटी है ना? ये हमें मुंबई के एक कूड़ेदान में मिली थी, बुरी हालत में। सना, क्या हो गया? यही तो हम तुमसे पूछने आए, सोनू और जोया कहाँ हैं? ये उन्हें भी मार दिया? मैं क्यों मारूंगी, मैं तो इतने महीनों से मैं खुद उनके बारे में सोच रही हूँ कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे। उस घटिया औरत ने, उस घटिया औरत ने मुझे मेरे बच्चों से दूर किया। कौन सी घटिया औरत? वो रजनी, धंधा करती है वो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी और अब मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। अब्बास मेरा पति,
बहुत मारता था मेरे को। अब्बास पुलिस के डर से घर से भाग गया था साहब, तभी साहब पे सुमित से मिली। हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा। थैंक यू सर, रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत ज़रूरी कॉल करनी थी, आपने फ़ोन ना दिया होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू। बहुत अच्छा था, प्यार से बात करता था, हम सबकी फिक्र करता था वो, मेरे बच्चों की, बिल्कुल जैसे उसी के बच्चे हो। फिर सुमित ने सांगली में मुझे अपनी बहन से मिलाया, रजनी से। वाह सुमित, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी जो इतनी सुंदर लड़की मिली। चलेगी ना मुंबई? लेकिन बच्चे? बच्चों को एक हफ्ते बाद ले जाएंगे। अरे लक्ष्मी है ना, दीदी की बेटी, वो संभाल देगी, टेंशन ना लो। मुंबई जाकर भाड़े पे खोली ले लेंगे, उसके बाद बच्चों को बुला लेंगे, और इसी बहाने हमें थोड़ा समय भी मिल जाएगा अकेले बिताने के लिए, हनीमून। मुझे लगा मुंबई जाके मेरे बच्चों का सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुंबई पहुंचते सुमित को काम से बाहर जाना पड़ा और फिर आया ही नहीं वो। मैं बिना मेरे बच्चों के, बिना पैसों के अकेली थी रजनी के साथ। मुझे समझ में आ गया सर कि मैं फंस गई हूँ, और फिर रजनी ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले उसने प्यार से मनाने की कोशिश की, फिर धमकी दी, और फिर जबरदस्ती करना शुरू कर दी। उसने सब मुझे बेच दिया, मेरी शादी करवा दी भुवन से झूठ बोलकर कि मैं कुंवारी हूँ। मन कर ही रोना तो ना, धंधा नहीं करना था तो मन कर, लेकिन बीवी बन के तो रहे। तेरे बच्चों को भी भेज दूंगी तेरे पास कुछ दिनों, एक बात याद रखना, तेरे पास से कोई शिकायत आई ना तो काट डालूंगी तेरे बच्चों को, समझी? सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए चुप रही, लेकिन जब 3 महीने हो गए और ना मेरे बच्चे आए और ना रजनी और ना विना, फिर मजबूर होके मैंने भुवन को सब कुछ बताया, ये सोचकर कि शायद वो मेरी मदद करेगा, लेकिन मैं गलत थी, उसने तो मुझे खोली में बंद करके रख दिया। मैं क्या करती? आपको क्या लगता है सर, मुन्नी सच बोल रही है? झूठ बोलने की कोई सब्सटेंशियल वजह अभी तो नहीं दिख रही उसके पास। नाइक, अगर मुन्नी राजस्थान में ही थी, सना के साथ उसने ये सब नहीं किया, उसने गलत फैसले लिए, लेकिन अपने बच्चों की भलाई की, बिना डरे उसने भुवन को सब कुछ बता दिया, सिर्फ अपने बच्चों को। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती। सर सना का ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन का केस बनता जा रहा है। रजनी और सुमित को पकड़ना होगा नाइक। मुझे लगता है कि सना के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनका हाथ है, और हो सकता है सर ही सुमित में बाकी के खोए हुए बच्चे भी मिल जाए। अगर जिंदा हुए तो एक बच्ची तो वैसे जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। कौन है तू, यहाँ क्या कर रही है? वो बच्ची को देख रही थी। देख लिया ना, चल जा। एक और रोशनी मौत से लड़ रही थी, पर उसकी हिम्मत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मौत से नहीं, मानो वो अपने साथ हुए हर अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दे रही हो। और दूसरी तरफ थी रोशनी पर नजर रख रही वो अपरिचित लड़की। वहीं मुन्नी के बयान के बाद पुलिस ने अपनी जांच कुख्यात रजनी देवी की खोज पर केंद्रित कर दी, और पुलिस के इस काम को अंजाम देने में उनकी मदद करने वाला था अविनाश, रजनी का सहायक जो कि राजस्थान में पकड़ा गया था। मुझे क्यों मार रहे हो साहब, मैंने तो मुन्नी को हाथ तक नहीं लगाया साहब, मैंने तो उसके भले के लिए शादी करवाई साहब। उसके भले के लिए, फिर पैसे लेकर अपने भले के लिए? मुन्नी के बाकी के 2 बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो उससे मिला भी नहीं साहब। सच्ची बोल रहा हूँ साहब। सुमित सर जी, मुझे नहीं पता साहब, वो लोग सब मुंबई में होंगे सर, मैं नहीं मुंबई गया साहब। सर रजनी का जो उसने नंबर दिया था वो डीएक्टिवेट है। क्या रे सब सब मुझे नहीं मालूम साहब, सब वो नंबर बदलती रहती साहब। ठीक है, इसको ये रहने दो, खाना पीना मत देना, सोना भी मत देना, जब लॉकअप के चूहे परेशान करेंगे
शायद याद आ जाए। साहब 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 लॉज लॉज साहब लॉज साहब वो जेपी जेपी लॉज में अक्सर रुकती है साहब, आपको वहीं से उसका नंबर मिल जाएगा साहब। सच्ची बोल रहा साहब इस बार में। सर सर लॉज के रजिस्टर से एक नंबर मिला है, एक्टिव भी है और लोकेशन मुंबई बता रहा है। सर ये रजनी बड़ी शातिर लगती है, अगर मुंबई में भनक हो गई कि हम उसे ढूंढ रहे हैं तो इस बार फिर से हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं, अब तक वो औरों को फंसा दी रही है, अब उसके फंसने का टाइम आ गया। अविनाश का मोबाइल लेकर आओ। यस सर। हेलो हेलो रजनी आंटी कैसी हैं आप? मैं अविनाश बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की ना, तो वो तुझे मेरा नंबर किसने दिया? वो लॉज से, वो है ना धनचुक भाई, उनसे लिया। आपका नंबर लग नहीं रहा था ना। काम बोल काम। दो दो बहने, एक 18 की है और एक 20 की है, देखने में एकदम A1 है, समझ रहे हो ना? चल डन, परसों मिल लॉज के बाहर 5:30 बजे। ठीक है आंटी। अरे अविनाश खड़ा क्या है, बैग पकड़ मेरा। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वापस मुंबई जाने का टाइम आ गया, चलो। अरे चलो। लेकिन आप जी सब सब सुनिए तो मेरी मेरी बात सुनिए। सब और मत मारो, सब सब मत मारो, सब हार्ट का प्रॉब्लम है सब, फालतू में मरमरा जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तेरे दिल को, पत्थर का दिल है तेरा, इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, कुछ हुआ मुन्नी के बच्चे का? सोनू सना और सोया। साहब मेरे पास 2 ही बच्चे थे, एक वो लड़का और एक वो सबसे छोटी वाली जोया। साहब मैं तो बिजनेस के लिए बाहर जाती थी, वो प्रोमिला को रखा था साहब उनकी देखभाल के लिए। टांगली से बच्चों को मुंबई ले जाकर खिला पिला रही थी, बेचना चाहती थी ना उन्हें? हाँ साहब, पर साहब कसम से मेरे को नहीं पता वो बच्चे कहाँ हैं। मैं बाहर गई हुई थी, भोपाल गई, उसके बाद कोल्हापुर, फिर वहां से गोवा। वहां से मैंने प्रोमिला को फोन भी किया था साहब, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही थी। फिर मैंने एक आदमी को भेज के घर में दिखवाया, वो बोला कि घर घर लॉक्ड है। मेरे को नहीं पता। सोनू और जोया तेरे पास? सना का हाथ से निकल गई साहब, वो पार्टनर हरामी निकला, धोखा दे गया, लेके चला गया सना को साहब। सुमित की बात कर? हाँ साहब। कहाँ वो? मेरे को नहीं पता, जब से उसने दगा दिया ना तब से मेरी बात ही नहीं हुई उससे, साला फोन नंबर भी बदल लिया उसने। बस साहब क्या पता किस चीज की बनी है वैन, अच्छा है कि हार नहीं मानती। ए ताई देख डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक से बात कर। डॉक्टर साहब। कहिए क्या बात है? वो रोशनी जब ठीक हो जाएगी तो हम लोग उसे ले जा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, बराबर गोद लेके कानूनी कार्रवाई करके ऐसा। देखिए ये कस्टडी मैटर है और हॉस्पिटल इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, और जहां तक मुझे पता चला है बच्चे के माँ बाप शायद जिंदा है, आपका ये मामला उन्हीं के साथ सुलझाना होगा। जहां एक तरफ अनेकों निसंतान दंपत्ति रोज बच्चे की चाह में दुआ करते हैं, वहीं कुछ लोग अपने बच्चे होने के बावजूद उनकी उपेक्षा करते हैं। ये केस इतना संगीन था कि जल्द ही मीडिया की सुर्खी बन गया। हॉस्पिटल में मौत से जूझती इस मासूम बच्ची को देखकर लोगों का दिल संवेदना से भर गया, और जल्द ही उसकी सलामती की दुआ करते हुए लोगों ने भारी मात्रा में तोहफे और खत भेजने शुरू किए। उसके इलाज के खर्च के लिए चंदा इकट्ठा किया जाने लगा और कई लोगों ने उसे गोद लेने की भी इच्छा व्यक्त की। सना की पहचान अब सभी के सामने थी, पर फिर भी वो लोगों के लिए रोशनी थी, रोशनी संघर्ष की, रोशनी उम्मीद की, रोशनी जीवन की। प्रोमिला दत्ता, जोया और सोनू कहाँ हैं? पकड़ो इसे। सर मेरे को नहीं मालूम। नहीं नहीं सर, सर मैं बता दिया सर, मैं सर मैंने सोनू को भेज दिया। किसको बेचा और किधर बेचा? वो नदीम ने बोला कि वो सब कुछ कर देगा,
हम कुछ नहीं जानते, हमको सिर्फ अपने पैसे से मतलब था, और नहीं मालूम हमको। ये रजीम कौन है और कहाँ मिलेगा? सर ये सब्जी बेचता है, वो ग्रांड रोड वाला घर है ना रजनी का, वो उसी के पास। वो लोग बच्चों से भीख मंगवाता है साहब, हमेशा डिमांड अच्छी रहती है बच्चों की। किसको बेचा? 1 लाख को, नवी मुंबई में वो भीख मंगो की रैकेट चलाता है, मेरे को अच्छा भाव मिल रहा था तो बेच दिया। बच्चे क्या सब्जी तरकारी है? जो अच्छा भाव मिल रहा था तो बेच दिया, तो लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा, लेकिन उसके पहले तू हमें 1 लाख तक पहुंचाएगा, समझा? सना और सुमित किधर है? सना सर, वो छोटी बच्ची ना, 5 साल के बीच वाली, सोनू की बहन। हाँ भाई। रजनी जब पुलुक के लेके आई तब देखा था मैंने उसको, मैंने प्रोमिला को बोला था तीनों को बेच देंगे, लेकिन बाद में पता चला सुमित वो बीच वाली को उठा के भाग गया। बाद में एक दिन मेरे को वो छोकरी राजा के साथ दिखी। राजा कौन? सर वो टैक्सी चलाता है, वो धंधे वाले को घुमाता है सर, वो माहिम वली बीच प्रवादी बीच में। मैंने सुना था वो भी बेचने वाला है छोकरी को कहीं पे। एक लाख, चल पुलिस स्टेशन पकड़े से। सर सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, आज से सोनू और जोया दोनों ही एनजीओ में रहेंगे। ओके सर। सना हमारे पास ही थी कुछ दिन के वास्ते, गोद लेने वाले थे हम उसको, हमारा कोई बच्चा नहीं है ना। तुम जानती हो तुम्हारा पति क्या काम करता है? धंधा करने वाली औरतों को अपनी टैक्सी में घुमाता है, पिकअप एंड ड्रॉप। उसका किस किस से कनेक्शन है ये सब हम जानते हैं, इसलिए हमें ये मत बताओ कि वो सना को घर गोद लेने के इरादे से लाया था। नहीं साहब ये सच नहीं है, कसम से उसने मुझे यही बोला और तभी तो मैं बहुत खुश थी। फिर क्या हुआ सना को? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, जैसे मुझे पता चला कि राजा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, मैं उसे छोड़ अपनी अम्मी अबू के पास मुमरा लौट गई, सना को भी वही छोड़ दिया। मतलब तुम्हें नहीं मालूम कि सना कहाँ है? टीवी वगैरह नहीं देखती तुम? मुंबई सेंट्रल हॉस्पिटल में एक बच्ची है, जानती हो उसके बारे में? ये सना है, किसने किया ये? हमें लगा तुम्हें पता होगा, आखिर तुम ही छोड़ के गई थी ना उसे राजा के पास। ठीक है जाओ। सर मुझे लगता है कि वाकई राजा पे भरोसा कर बैठी थी कि वो सना को गोद लेने के लिए लाया, बच्ची के बिकने तक घर पे जो रखना था इसके लिए ये बहाना बनाया होगा। सर राजा की बीवी को पता नहीं कि वो कहाँ है, टैक्सी भी कई दिनों से बंद है, फोन भी बंद है। सर पता करता हूँ इस राजा के बारे में। अपुन ऐसे ड्राइवर से दूर रहता साहब, जो धंधा करने वाली औरतों को अपनी गाड़ियों में घुमाते हैं। राजा को जानता है? पता है ना साहब, राजा भाई वडाला के रहमानी चाल में तो रहता है। रहमानी चाल? वो तो साइन में रहता है। क्या बात कर रहे हैं, मैंने खुद उनकी टैक्सी बना के छोड़ के आया है। एड्रेस बता सकता है कहाँ छोड़ा था? हाँ बता सकता है ना साहब। चल देखिए, ऐसा लग रहा है बाथरूम में किसी ने खून धोने की कोशिश की। सर बच्चे के कुछ कपड़े मिले हैं। आप में से किसी को पता है कि राजा किधर है? साहब काफी टाइम हो गया उसे देखे हुए। किसी छोटी बच्ची को यहाँ देखा है? 5-6 साल की, सना नाम है उसका। 5-6 साल तो नहीं साहब, लेकिन 15-16 साल की एक लड़की आती जाती थी, और साहब शायद वो इधर ही रहती थी। चेहरा देखा है उसका? ब्यौरा दे सकते हो? हाँ साहब देखा ना। नहीं स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और ये कमरा सील करवा के फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से सना उस दिन रूम में ही थी, बाथरूम में गिरा खून सना का ही है। नहीं कि 15 साल की लड़की है कौन? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी के जाने के बाद सना को इस लड़की के पास राजा ने छोड़ा?
लेकिन वो सना को बेच के पैसे कमाना चाहता था। ऐसे ही सना को किसी लड़की के पास छोड़ देगा? हाँ, अगर वो इस लड़की पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हो तब तो पॉसिबल है। सर फिलहाल हम इस लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कौन है तू? वो न्यूज में इस बच्चे के बारे में देखा था और मैं इधर आई थी तो सोचा एक बार उसे देख लूं। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम से परमिशन लेकर आने का। ये लड़की ठीक तो हो जाएगी ना? क्या मालूम, सब ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा चल चल तू चल यहाँ से। सर कांस्टेबल नायडू को रहमानी चौल में तैनात किया था पर उस लड़की पर कोई अपडेट नहीं मिली। और सर राजा के घर के पास वाले एरिया से एक खबरी ने कांटेक्ट किया है, राजा वहां खड़ी अपनी टैक्सी को लेने आया था। धारावी में कोई गैरेज है, वहां पे रिपेयर करवाने ले गया। ए, ज्यादा मत कर, हवा ऑयल डाल दे बस। ये ब्रेक ऑयल भी चेक कर लियो जरा एक बार यार, जल्दी करना फटाफट यार, फालतू टाइम घोटी करता है। सना को कभी हाथ नहीं लगाया साहब, बेटी की तरह प्यार किया उसको, गोद लेने वाला था। साहब प्लीज मत मारो साहब, माफ कर दो साहब, प्लीज माफ कर दो। क्यों झूठ बोल रहा है? हम जानते हैं तू बच्ची को बेचने वाला था। हाँ साहब, बेचने वाला था उसको मैं, उसी से तो पैसे मिलने वाले थे मुझको। कुछ किया ही नहीं तो भाग क्यों रहा था? अरे साहब कर्जा था मेरे पे, गुंडे पड़े थे मेरे पीछे। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने एक बड़ी मालदार पार्टी को पटाया, वो सना को खरीदने के लिए रेडी हो गया था। और जैसे ही मैं सना को अपनी कोली में लेने पहुंचा, वो ना तो सना थी और ना ही गुड़िया। ये गुड़िया? हाँ सर, यही गुड़िया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अभी तक तो ठीक थी वो सावित्री। सावित्री, अरे संभाल अपने आप को, रड़ो नको, रड़ो नको। बोल लाइक सर, वो सना सर शी इज नो मोर सर, एक कार्डियक अरेस्ट है और इस बार वो बच नहीं पाई। इस न्यूज को बाहर फैलने मत देना। ओके सर। क्या हुआ सावंत? सर ये 15-16 साल की लड़की, एक हॉस्पिटल में भी सर एक 15-16 साल की लड़की आती है, बार बार सर आती है, मैंने खुद 2-3 बार उसे देखा है सर, यहाँ आने से पहले भी वो है, मुझे दिखी थी। सर आपको लगता है वो लड़की आएगी? जरूर आएगी सावन, नजर रखो। अगर उस लड़की को सर पता चल गया हो तो? नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया में अभी तक ये खबर छपी नहीं है और उसे पता है कि सना की हालत काफी क्रिटिकल है। तुम वहां नजर रखो, मैं इधर हूं। जी सर। कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। गुड़िया पकड़ो इसे, कोई फायदा नहीं, तनाव नहीं रही, ले चलो। बहुत टाइम बाद सब कुछ ठीक हो रहा था साहब, मेरे को मेरी फैमिली मिलने वाली थी, मैं राजू सना, उसने मेरे से वादा किया था कि वो मेरे से शादी मनाएगा, लेकिन फिर वो चला गया, 1 महीने तक नहीं लौटा, बोला था कि उसके पीछे गुंडे पड़े हुए, घर जाता उसके ऊपर जाप, और इसीलिए वो पैसे जमा कर रहा था, उसी ने कहा था कि सना का ध्यान रखना, मेरे को अच्छी लगती थी।
बाद में मैं बहुत डर गई साहब। राजू को ढूंढते हुए कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी। मेरे को लगा कि ये राजू मेरे को धोखा दे के भाग गया, उसने मेरा फायदा उठाया। मुझे गुस्सा आ गया और ऊपर से सना उसे खांसी बुखार था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, रोई जा रही थी। उसके बाद मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। कसम से साहब, कसम से मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, गलती से हो गया मुझसे। वो तो मैंने खबर छपी हुई देखी, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। साहब मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, अच्छी लगती थी मेरे को वो, बहुत अच्छी थी वो। इस मामले में जांच द्वारा आखिरकार पुलिस ने 10 लोगों को देह व्यापार, बाल शोषण तथा अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया। मुन्नी और गुड़िया दोनों की ही बर्बादी का कारण बनी उनकी एक खुशहाल परिवार की चाह और हसरतों के इस उलझे खेल का शिकार बन बैठी मासूम सना उर्फ रोशनी। लालच, वासना और पैसे के इस जाल में कोई एक या दो लोग गुनहगार नहीं थे, इन सब के साथ गुनहगार था वो समाज जो गरीबी में जीते इस तबके से मुंह मोड़कर उनकी उपेक्षा करता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।